पहली बार मेरे नाम का थाली, आप देख सकते हैं मेरा नाम। हेलो फ्रेंड, नमस्ते जोहार, आप सभी को प्रणाम और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं और माँ दोनों शादी की शॉपिंग करने आए हैं। सोचे कि कुछ बर्तनों का शॉपिंग कर लिया जाए, शादी वगैरह में दिया जाता है ना फ्रेंड, पीतल काशा और ये स्टील के बर्तन, तो आप सोच रहे होंगे कि शादी किसकी है फ्रेंड। फ्रेंड मेरी ही शादी होने वाली है, घर पर कोई नहीं है इसलिए मैं कॉलेज आई हुई थी और माँ मुझे बाज़ार से ही टान कर इधर सीधे दुकान पर ले आई है फ्रेंड, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए कह रही है, जो आप यहाँ देख सकते हैं दुकानदार वाले के साथ हम और माँ दोनों मिलकर बैठे हुए हैं। तो ये फ्रेंड हमारे घर के सामने ही मार्केट पड़ता है, जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको कैसा लग रहा है ये शॉपिंग का सामान, आप बताइएगा ज़रूर। इस कटोरी का साइज में हम बड़ा खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था फ्रेंड, मगर सच में बहुत सुंदर है फ्रेंड। ये देखने की ये देखिए आप देख सकते हैं, बाटी सब की आप देख सकते हैं फ्रेंड भैया क्या कर रहे हैं, एक एक बर्तनों को नाप तौल कर दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा बेसी या कम ना हो जाए। हम दोनों माँ बेटी यहाँ बैठे हुए हैं, घर पर और कोई गार्जियन रहता तो माँ उसी के साथ ज़रूर आती, मगर कोई ना होने के कारण माँ मुझे यहीं घसीटते हुए ज़बरदस्ती मुझे शॉपिंग करने के लिए ले आई है। मैं ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा खुद की शॉपिंग करने के लिए फ्रेंड, मजबूरी थी। सभी सिस्टरों की शादी हो गई है, सभी अपने ससुराल में हैं, जब आएगी तब आएगी, उससे पहले तो मुझे सामान इकट्ठा करना होगा ना फ्रेंड ससुराल ले जाने के लिए। साइज का दे दिया है, मुझे बोल रहे हैं क्या क्या चाहिए, कौन सा साइज का आप देखिए, मगर मुझे नहीं पता चल रहा है फ्रेंड, आप बता सकते हैं कौन सा दे लेना है। पूरी उड़ी छानने भी काम आएगा, सब्जी बनाने में नहीं, पूजा पाठ के लिए वाला जो दरकार है थोड़े। तो फ्रेंड देखिए ये दोनों बाल्टी में से आप लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है तो जरूर बताइएगा। कौन वाला पसंद करेगा, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पूजा पाठ वगैरह में ले जाने के लिए जो प्रसाद हम लोग ले जाते हैं इसमें ये है, हम इसे छोटा साइज का खोज रहे हैं, मगर ये बहुत ही बड़ी साइज की है तो मुझे ये पसंद उतना नहीं आ रही है। हम लोगों ने ऑर्डर दिया है और वो दिखाएंगे, कुछ दिनों बाद लाएंगे। तब तक फ्रेंड आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पीतल की थालियाँ, आप सोच रही होंगी कि ये क्या करना है फ्रेंड। मैं अपने ससुराल अपने बड़ी थालियों और कटोरों के साथ में देवी देवताओं को भी खाना खिलाने के लिए उनके लिए भी थालियों और गिलास ले जा रही हूँ फ्रेंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। भैया वहाँ अपना बिल बना रहे हैं कि इन सबों का कितना हुआ टोटल बिल, देखिए वो फिर से वजन कर रहे हैं, कहीं उनसे कोई गलती ना हो गई हो, ये देख रहे हैं फ्रेंड। ये रहा ये कलश पूजन के लिए जो चाहिए, शायद उसी लिए है या मुझे ससुराल ले जाना है पता नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप इस ये कासा का लोटा है शायद फ्रेंड, मुझे पता नहीं है, मगर इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं।
भैया बिल बनाने में बिजी है। एक बिल तो उन्होंने गलती कर दी थी, अब ये दूसरा बिल है। देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरा नाम छप रहा है खाली में, सुमन। फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। पहली बार मेरे नाम का इन बर्तनों पर छपा हुआ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों का भी नाम आपके बर्तनों पर होगी ना फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन का बर्तनों पर नाम है। बाय बाय फ्रेंड।